रोडवेज कर्मियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में धरने में बैठने से लोहाघाट के रोडवेज डिपो से बसों का संचालन ठप पड़ गया, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस न मिलने पर यात्रियों को टैक्सियों व ट्रकों से यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा। वही रोडवेज लोहाघाट डिपो के AGM नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि रोडवेज कर्मियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को एक दिवसीय धरना चल रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए लोहाघाट डिपो के सभी चालक, परिचालक व कर्मचारी टनकपुर चले गए, जिस कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। वहीं लोहाघाट डिपो को 4 लाख का घाटा होने का अनुमान है और रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़िंग है। उनकी मांग है कि सरकार जो निगम में निजीकरण की नीति ला रही है, उसका वह विरोध करते हैं। रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों को लाया जाए, साथ ही रोडवेज में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन किया जाए और बराबर का वेतन और सम्मान दिया जाए। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सात बजे से खड़े हैं यहाँ, एक बस भी नहीं आई, दो बस आई, बेचारों ने रोकी भी दी हुई थी, छोटा बच्चा भी है साथ में, सुबह से बहुत ठंडा भी हो रहा है, बहुत दिक्कत होगा साथ में। हमको पिथौरागढ़ जाना है। हाँ, अभी रुक गए हैं, सुबह से बैठे हैं, भूखे प्यासे बच्चे, बच्चा भी भूखा ही है। कहाँ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिता तिवारी, मैं चंपावत से आई हूँ। घंटे यहाँ हो गए? हाँ, 4 घंटे हो गए। ठीक है, इंतजार कर रहे थे, बस नहीं आई है, अभी 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, बस की दिक्कत हो रही है। हम घर से 7 बजे आ गए हैं, यहाँ 7:30 बजे पहुँचे हैं बस स्टेशन में। तो लिए नहीं मिली भी, अभी तो रुके हैं। क्या कह रहे हैं? वो तो अरे हड़ताल में है, अभी नहीं चलेगी बस। हम क्या आपका कर्मचारी द्वारा कुछ मांगों को लेकर मुख्यालय स्तर में नोटिस दिया था, जिसके संबंध में आज कार्य बहिष्कार पे है। काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अड़िग रहे कि जब तक हमारी मांगों पूरी नहीं होगी हम आज कार्य पर नहीं लौटेंगे। तो ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुआ स्टाफ। अभी शाम की जो गाड़ियां उनके लिए प्रयास किया जा रहा, निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बस का संचालन हुआ अभी काशीपुर मार्ग। टोटल कहाँ से अभी? हमारी रोज 15 बसें जाती हैं, अभी 10 बजे तक 6 बसें जाने, जिनमें एक ही जा पाई अभी। तो स्टाफ को समझाने का प्रयास किया जा रहा, कार्य बहिष्कार नगर है, अपने कार्य पर लौटे ताकि जनता को निगम सुविधा मिल सके, यात्रा सुविधा मिल सके और राजी ना हो विभाग को। केवल एक ही दिन का आज का नुकसान होगा, लोहाघाट डिपो लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान होगा। 4 लाख रुपए, ठीक है। उसमें 13 सूत्री मांग पत्र दिया गया है सरकार को, शासन को और परिवहन निगम के प्रबंधन को, और उसमें एक आंदोलन का कार्यक्रम दिया गया है। उसमें पहले चरण में आज यहाँ धरना प्रदर्शन है और 24 तारीख को कुमाऊं में हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन है और 27 तारीख को देहरादून में धरना प्रदर्शन है, ISBT देहरादून में, और उसके बाद 31 तारीख की मध्यरात्रि से सारे परिवहन निगम के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे और गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसकी वजह यह है कि सरकार परिवहन निगम का निजीकरण करने पर तुली हुई है, जमीन बेचने पर तुली हुई है, जो राष्ट्रीयकृत राजमार्ग है जिन पे केवल बसें चलाने का अधिकार परिवहन निगम है। यहाँ पिछले 15-20 वर्षों से संविदा विशेष श्रेणी के नाम पे जो यहाँ भर्ती की हुई है, उन लोगों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पाया और न कोई अभी तक परिवहन में कोई ऐसी नीति बनाई गई कि कितने वर्ष करने के बाद उन कर्मचारियों को कब नियमित किया जाएगा। उसके साथ साथ काफी लंबे समय से यहाँ एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि बस अड्डों का, कार्यशालाओं का सौंदर्यकरण करने के नाम पर उनको कहीं न कहीं लीज पे देने का काम उनको काम सरकार का और शासन का चल रहा है। इसी में तमाम अनुबंधित गाड़ियों को लगातार उनकी संख्या बढ़ाना विभाग के अंदर, अपना निगम की बसों को उनमें स्पेयर पार्ट तक न देना,
गाड़ियां जगह जगह डिपो में 30-30, 40-40 गाड़ियां हर डिपो में स्पेयर पार्ट के अभाव में खड़ी हुई है। तो अपनी गाड़ियों को न चलवाना, अपना बस बेड़ा न बढ़ाना, तो ये सब इन बातों को लेकर ये प्रोग्राम हमने दिया है। और इसमें कल हमारा कुमाऊं में कार्यक्रम है,